तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा का एक पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, मैथ्स के क्लासेस कंटिन्यू होंगे आपकी। ठीक है, तो तबीयत खराब थी तो नहीं ला पा रहा था, तो यहाँ पे मैं आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा समझ लीजिए सीधी से कवर करूंगा, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, और ऐसा है कि याद भी करवाता चलूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी बहुत हद तक कि आपको याद हो जाए। अब वो होता है कि नहीं वो आपके ऊपर है, पर मैं इतना कोशिश करूंगा कि यहीं कहीं याद हो जाए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में मार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण के परिप्रेक्ष्य में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि भारत का क्या आर्थिक सर्वेक्षण दर रहा है। तो भारत का ना 2021-22 में 8.7% रहा है। ठीक है, 2022-23 में रहा है 7%। तो 21-22 यानी जस्ट पिछला देखें तो 8.7 और 22-23 में 7%। ठीक है, विकास दर राज्य का स्थिर भाव पर हम विकास दर देख रहे हैं। राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का हम लोग देख रहे हैं स्थिर भाव पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, 2021-22 में रहा है 8.46, इसका 8.7, इसका 8.46, 2022-23 में रहा है 8। ये तो ठीक है, ये बहुत कम पूछेगा, पूछेगा तो ये। ठीक है, राज्य का जो है 8.46 और 8%। ठीक है, 2021-22 में 8.46 और 2022-23 में 8%, जस्ट 0.4 कम। और एवरेज है 5.73, एवरेज कितना है 5.73, 3 कम, 8.46 21-22 में। अब इसका पूरा टेबल चाहिए मान लो आपको 12 से लेके, तो मैं उसको आपको ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, इसका टेबल आप देख लेना उसको। और 5.73 एवरेज, एवरेज है इसका 5.73, 8%, 8.46 और 5.73%। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे बनता है। बोलेगा सर्वाधिक वृद्धि दर कब रहा, तो ये वृद्धि दर है भैया, सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है 2016-17 में 10.11%। ये परसेंट नहीं पूछता, बस पूछता है सन, कौन सा सर्वाधिक। पर कुछ अगर कठिन करना हुआ, किस्मत आपका खराब हुआ तो ये भी पूछ लेगा, ये जो है ना ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 11.10%। और 2021 में न्यूनतम रहा है -1.8%, 2021 में -1.8%। आप एक रीडिंग मारेंगे याद हो जाएगा, बस मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, -1.8% 2021 में, 16-17 में 11.10%, 16-17 में रहा है 11.10%। ठीक है, अब देखिए पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पे बेसिकली पूछा जाता है, कभी कभी प्रचलित भाव पे पूछता है जब किस्मत आपका बहुत खराब रहा, क्योंकि प्रचलित भाव चेंज हो जाता है बट स्थिर भाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्थिर भाव है 2022-23 में 96,242, मतलब 96,242 रुपये पर कैपिटल इनकम है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं 96,242, 96,242, कितना 96,242। अब इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 6.76%, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 6.76% हुआ है। ठीक है, 2022-23 में प्रचलित भाव पर 1,33,898, ये दो दो जो दो चार दो, ये 898, 1,33,898। ठीक है, इसका वृद्धि दर रहा है 10.93%, इसका वृद्धि दर कितना रहा है 10.93%, है ना। तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया, तो देख लीजिए ये वाला सेक्शन 8.787%, मेरे को याद हो गया, आपको भी हो जाएगा दो बार बोलोगे तो। 2021-22 में 8.46 और उसमें 8%, उसके जस्ट बाद, उसके बाद एवरेज निकालेंगे 5 के एवरेज के आसपास आता है 5.73। भैया इस बार के पीएससी में ये तक डाटा चेंज किया था, ये सेम किया था 5 है ना, सॉरी ये सेम किया था सारा, इसको 73, 74, 75 इस टाइप का दिया था। ठीक है, तो ये देखा तो पूरा डाटा हूबहू याद होना चाहिए। अब 5 तो है, पर वो ऐसा बहुत कम पूछेगा ना, ये याद रखना, वो ऐसा बहुत कठिन करने के लिए पूछता है कि ये पॉइंट ऑफ बाद वाला डाटा चेंज करे और जो मेन डाटा है जैसे 5 उसको सेम रखे। ठीक है, बहुत कम पूछेगा, इसलिए मैं इसको याद करा रहा हूँ कि 5, 8 में 3 कम हो तो 5 एवरेज आ गया इससे। ठीक है, और सर्वाधिक 16-17 और 2021 में न्यूनतम हुआ, 2021 में न्यूनतम इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम कोरोना था। ठीक है, कृषि का क्षेत्र देख लेंगे हम लोग। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में 22-23 में 16.91%, कितना 16.91, 16.91 वृद्धि हुआ है
5.93, जिसमें वृद्धि है 5.93 और जिसका एवरेज है 5.31%, एवरेज है 5.31%। ये पूरा एवरेज निकलता है आपका 12 से लेके अभी तक का टोटल एवरेज निकलता है। ये एवरेज पूछा जाता है एग्जाम में, ये एवरेज पूछा जाता है 5.31% का एवरेज है, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, ठीक है। 16.91% है इसका, 22-23 में 16.91% हुआ है कृषि के क्षेत्र में। अब कृषि के क्षेत्र में ही सबसे कम होता है, आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा उद्योग के क्षेत्र में होता है, फिर होता है सेवा के क्षेत्र में, फिर कृषि के क्षेत्र में होता है, ठीक है। 16-17 में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यहाँ भी 16-17 में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, राज्य के औसत में 17-18 में माइनस में गया था ये 16-17, 17-18। तो कृषि का सीक्वेंस याद हो गया अपने को, 16-17 में प्लस हुआ था, 17-18 में न्यूनतम या माइनस हुआ था, ये सीक्वेंस याद रखना है। ये बहुत कम याद रखना है भैया, कितना याद रख पाओगे ये डाटा, ये याद रखो बस, एक के बाद एक है। 21.28 और 10.90%, ठीक है। उद्योग 22-23 में उद्योग 49.88% तक हुआ था, कितना हुआ था 49.88 बोला ना, सबसे ज्यादा उद्योग हुआ था, जिसमें वृद्धि हुई 7.83%, वृद्धि भी बहुत कम हो जाता है, पूछा तो एवरेज जाता है, एवरेज और इसका, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस होते हैं, ठीक है। एवरेज है 6.34%, इसका 5.31, इसका 5.73 और इसका एवरेज है 6.34% का, ठीक है। तो 49.8% 6.34% का, ठीक है। इसमें 18-19 एक छोड़ दो 20-21, इसमें लगातार 16-17, 17-18, 18-19 में पॉजिटिव ग्रोथ हुआ था 6.29% का, और 20-21 में माइनस ग्रोथ था 0.44% का, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, उद्योग धंधे बंद हुए थे एज यू नो, ठीक है, सबको पता है। तो ये 0.44% माइनस पे गया था, ठीक है, 0.44% माइनस पे गया था ये, फिर भी 0.44% ही गया था माइनस पे, ज्यादा माइनस पे नहीं गया था ये, ठीक है, इस टाइम पे भी, ठीक है। तो 18-19 एक छोड़ दो 20-21 प्लस और माइनस, ठीक है। सेवा के क्षेत्र में 2022-23 में 33.21% वृद्धि हुई, कितना 33.21%, ठीक है। वृद्धि हुई है 9.21% की, वृद्धि हुई 9.21% के, 5.37 इसका एवरेज है, 5.31 कृषि का है, 5.37 सेवा का है, और उद्योग का है 6.34%, ये 5 और 6 के आसपास में है, ठीक है। 5.31, 5.37, 6.34%, ठीक है। 19-20-21, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 19-20, 20-21, ठीक है। ये माइनस पे गया, माइनस 4.41% प्लस 10.82%, ये डाटा आपको पूरा याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा उद्योग में, फिर सेवा में, फिर कृषि क्षेत्र में, बार फिर से ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। भारत के परिपेक्ष में देखें तो आर्थिक समीक्षा हुई 8.7%, फिर 22-23 में हुआ है 10%, जैसा आप देख रहे होंगे। फिर स्थिर भाव में वृद्धि हुआ है, स्थिर भाव में वृद्धि हुआ है 2021-22 में 8.46%, 22-23 में 8%, ठीक है। और सर्वाधिक हुआ है 2016-17 में, सर्वाधिक हुआ है 20-21 में, न्यूनतम हुआ है जस्ट 3 साल बाद कर, 4 साल बाद कर लो, 16-17, 20-21 भी कोरोना, ऐसा याद रख सकते हैं भैया, हमारा कोरोना था तो यहाँ पे माइनस पे ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये याद रखने का तरीका हो सकता है। और ये 16-17 में 11.010%, 16-17 में 11.10% सर्वाधिक और ये न्यूनतम, ठीक है। पर कैपिटल इनकम 96,242, वृद्धि हुआ है 6.76%, वृद्धि बहुत कम पूछता है, फिर भी आपको लिखवा दियो 1-3-3-8-9, इसमें प्रचलित भाव पे याद नहीं रखना, बहुत कम आता है, फिर भी एक बार देख लेगा आप 1.133989, ठीक है, 10.93%, जो आने वाले चांसेस है वो मैं इधर लिखवा दिया हूँ, ये आएगा, ये आएगा, ये और ये सन पूछता है, ठीक है। ये डाटा तो भैया याद ही नहीं होता है, मतलब होता है पर बहुत टाइम लगेगा, 28-28, 21-28, 10-90 माइनस पे गया है सीधा, 20 कम सीधा अपना ये 21 कम हो गया, 30 कम हो गया, तो 10-90 हो गया ये, ठीक है। उद्योग में 49.98, ये वृद्धि बहुत कम याद रखता है, फिर भी 7.83% का वृद्धि है याद रखना है, और वृद्धि इसका एवरेज है 6.34%, इसका 5.31, 5.74, 5.37, 4.34, ठीक है, ऐसा याद रखना, याद हो जाएगा। 16-17, 17-18, 18-19, 18-19, 20-21, 19-20, 20-21, ठीक है, ऐसा करके इसको याद रखना। तो ऐसे ही सीरीज और आगे आते जाएंगे, पूरा आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा में अपना कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के लिए मैथ्स का वीडियो जरूर आएगा बहुत जल्द, ठीक है, धन्यवाद।